हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो पढ़ी ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल वेल। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो, आपको अभी ऑफलाइन के माध्यम से आपका टॉपिक जो चल रहा है सिंथेसिस, उसमें कंपाउंड सेंटेंस स्टडी कराया जा रहा है। तो टॉपिक की बात करें बच्चों, आपका चल रहा है कंपाउंड सेंटेंस। तो आपका टॉपिक है बच्चों कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आप लोग इसके विभिन्न पार्ट्स का स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपको हमने कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत जो कि हमने आपको बताया था कि ये चार प्रकार के यहाँ पर कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं। तो चार प्रकार कंजक्शन कौन कौन से थे ये भी जान लें। तो आपने पढ़ा है सबसे पहले क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जिसके अंतर्गत आपने जोड़ बताने वाला कंजक्शन पढ़ा। उसके बाद पढ़ाया गया अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव के अंतर्गत आपने स्टडी किया है विकल्प चुनने वाले कंजक्शन का। अब इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आपने स्टडी किया है अल्टरनेटिव कंजक्शन का। तो टॉपिक चल रहा है बच्चों आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो बच्चों अल्टरनेटिव कंजक्शन आपने स्टडी किया है, एडवर्सेटिव पढ़ाना है आज। आज पढ़ाना है आपको एडवर्सेटिव कंजक्शन। आप लोग जानते हो एडवर्सेटिव के अंतर्गत जो कंजक्शन पढ़ाए जाते हैं वह वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल ध्यान देने वाली होगी कि यहाँ पर जो भी वाक्य आते हैं वो विरोधाभास का भाव ही प्रकट करते हैं। विरोधाभास का भाव हमने आपको बताया है कि जब कोई काम पॉजिटिव के लिए किया जाए लेकिन उसका जो रिजल्ट हो वो क्या हो भाई, नेगेटिव में हो, नकारात्मक हो, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं हमारे एडवर्सेटिव के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अब आगे हम बात करेंगे आपके इन कंजक्शन की जो यहाँ पर स्टडी किए जाएंगे। तो जैसा कि बच्चों आपको बता दे रहे हैं, तो आपका टॉपिक है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव के अंतर्गत आपने अभी तक यट, बट, स्टिल और नेवरथलेस कंजक्शन का आपने स्टडी कर लिया है। तो आज बात करेंगे बच्चों एक और कंजक्शन जो कि होगा वेयर एज। वेयर एज के बारे में बात होगी। यहाँ पर बच्चों वेयर एज का कंजक्शन का मतलब होगा चूंकि, जबकि, नहीं तो, या तथापि। इसके विभिन्न अर्थ हैं लेकिन अर्थ जो प्रयोग करेंगे वो हम करेंगे नकारात्मक यानी कंट्रोवर्सी प्रदर्शित करने के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं भाई कंट्रोवर्सी एग्जाम्पल्स की। तो आज वेयर एज का बात होगा। जैसे कि लिखा है ब्रेव मैन फेस चैलेंज ब्रेव मैन फेस चैलेंजेस कॉवर्ड्स फ्ली अवे। बहादुर लोग चुनौतियों का सामना करते हैं कावर्ड फ्री अवे।
कायर लोग भाग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ब्रेव चैलेंज कर रहे हैं सामना, पावर्ड को भी करना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि ब्रेव ने चैलेंज को फेस किया जबकि जो ये थे पावर्ड लोग वो भाग गए। तो ये कैसा वाक्य बना हमारा कॉम्बिनेशन? कंट्रोवर्सी का। कंट्रोवर्सी मतलब विरोधाभास का। तो क्या करेंगे यहाँ पर भाई, हम वाक्य जोड़ने के लिए क्या लगा दो? हेयर एज। शुरुआत करेंगे पहले एग्जाम्पल की। तो ब्रेव मैन फेस चैलेंज, ब्रेव मैन फेस चैलेंज हेयर एज, जबकि चूंकि नहीं तो तथापि, जबकि कावड़ लोग भाग जाते हैं। ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। तो चलते हैं अगला। वाइज मैन सो दियर फॉल्स, वाइज मैन सो दियर फॉल्स, फूल्स अवॉइड देम। बुद्धिमान लोग अपनी गलती को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी छिपाते नहीं हैं। फूल्स अवॉइड देम, मूर्ख लोग उसे नकार देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। तो ये कैसा वाक्य बना बच्चों? भाई हमरा ये वाक्य ऐसा बना कि जो कंट्रोवर्सी को दिखा रहा है, जब कंट्रोवर्सी को प्रकट करेगा तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? नकारात्मक यानी कंट्रोवर्सी होने पर वेयर एज का प्रयोग करेंगे। तो लिख दीजिए भाई, वाइज मैन सो दियर फॉल्स, वेयर एज फूल्स अवॉइड। बुद्धिमान लोग गलतियों को दिखाते हैं, अपनी गलतियों को दिखाते हैं, जबकि मूर्ख लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये आपका टॉपिक फेयर एज का कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये एग्जांपल्स जो हमने लिखे हैं आपके लिए, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर वेयर एज का प्रयोग किया गया है इन कंजक्शन में। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसको इरेज किया जाए, तब तक अगले आखिरी कंजक्शन की बात करेंगे हम, जो कि इस कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत कंपाउंड के माध्यम से आप लोग सीखेंगे। तो अब अगला जो कंजक्शन है बच्चों हमारा, वो है इलेक्टिव कंजक्शन। इलेक्टिव कंजक्शन मतलब होता है परिणाम, जिसे बोलते हैं रिजल्ट। परिणाम बताने के लिए कंजक्शन, परिणाम बताने के लिए कंजक्शन, सो देयरफॉर तथा हेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना होगा कि जो परिणाम बताने के लिए कंजक्शन यूज किए जाएंगे बच्चों, वो यहां पर सो देयरफॉर तथा हेंस का होगा। यानी परिणाम जानो भाई क्या है? परिणाम तथा रिजल्ट। जिसे कहा जाए मैं खूब तेज दौड़ा मुझे पुरस्कार मिला, मैं खूब तेज दौड़ा इसलिए मुझे पुरस्कार मिला, समझे? यहां पर इन तीनों का मतलब होगा भाई इसलिए। क्या होगा बच्चों? इसलिए होगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो भी वाक्य आएंगे उसमें क्या होगा? परिणाम प्रदर्शित होगा,
इसका ध्यान रखें। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, मिस्टर गुप्ता वाज लेट, ही मिस्ड द ट्रेन। मिस्टर गुप्ता देर हो गई थी, यानी मिस्टर गुप्ता को देर हो गई थी, उनकी ट्रेन छूट गई। तो मिस्टर गुप्ता लेट हो गए थे ना, इसलिए उनकी ट्रेन छूट गई। यानी रिजल्ट आया आपका कि मिस्टर गुप्ता लेट थे, इसलिए उनकी ट्रेन छूटी। तो क्या करेंगे, मिस्टर गुप्ता वाज लेट सो, यानी इसलिए ही मिस्टर द ट्रेन। तो मिस्टर गुप्ता वाज लेट सो ही मिस्ड द ट्रेन, मिस्टर गुप्ता लेट थे इसलिए उनकी ट्रेन छूट गई। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें भाई, देखिएगा ध्यान से, इसे बोला जाए आई कैन नॉट डाई इन पीस। आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम अ सिनर, आई एम अ सिनर, मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता हूं, मैं पापी हूं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो क्या हूं, मैं पापी हूं इसलिए मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता हूं। तो आपको यहाँ रिजल्ट शो करना होगा। तो पहले किसको लिखे भाई, मैं पापी हूं, यानी आई एम अ सिनर। अब क्या करेंगे, सो, सो माने इसलिए, आई कैन नॉट डाई इन पीस, I cannot die in peace। मैं पापी हूं इसलिए मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता हूं। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें भाई, he left his studies, he left his studies, उसने अपने पढ़ाई को छोड़ दिया। he had no money, उसके पास धन नहीं था, उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, उसके पास धन नहीं था। तो यानी उसके पास धन नहीं था इसलिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। एक चीज का ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर आप सो लिखो, देयरफोर लिखो, या चाहे हेंस का प्रयोग करो, कि तीनों कंजक्शन एक होते हैं, जिसका अर्थ होता है इसलिए। क्या होता है भाई, इसलिए। यहाँ पर तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं कंजक्शन, जो कि हमारा अर्थ बताएगा कि इसका मतलब होता है इसलिए। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई इसी के आगे एग्जाम्पल्स की। तो ध्यान दें, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, यानी उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। आपको उसके पास धन नहीं था, तो ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था इसलिए। इसलिए मतलब सो लिखो, हियर फोर लिखो, या हेंस का प्रयोग करें। सो देयर फोर या हेंस में से कोई एक यूज कर सकते हैं। He had no money, उसके पास धन नहीं था इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। He left his studies, इसके पास धन नहीं था इसलिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते जाएं, अच्छे से वीडियो समझें, एक ही बार में समय में आएगा, आप ये चीज के लिए हमसे गारंटी ले लीजिए। अब अगले एग्जाम्पल की बात करें भाई, जैसे अगला एग्जाम्पल बोला जाए, अगला एग्जाम्पल है भाई आपसे, कहा गया ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर, He is the son of a professor. He is intelligent.
इंटेलिजेंट, वह एक प्रोफेसर का लड़का है, वह बुद्धिमान है। तो रिजल्ट है कि वह प्रोफेसर का लड़का है इसलिए वह बुद्धिमान है। तो क्या करेंगे भाई, ही इज द सन ऑफ ए, ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर, सो इसलिए ही इज इंटेलिजेंट, इसलिए वह बुद्धिमान है। तो ये यहां पर ध्यान देंगे, एग्जाम्पल ही वर्कड हार्ड, ही गॉट गुड मार्क्स इन एग्जाम, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने परीक्षा में अच्छे अंक पाए। तो क्या होगा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए उसने परीक्षा में अच्छे अंक पाए, सो ही गॉट गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो ये एग्जाम्पल समाप्त होता है, इसी के साथ समाप्त होता है। वीडियो को देखें, ओके, सी यू लेटर।